नमस्कार दोस्तों, जॉब संडे डेली पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना जय किशन कुमावत मैथ की एक से बढ़कर एक वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर देखो नंबर सिस्टम का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ रहे थे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में मैंने रियल नंबर लिए थे। रियल नंबर में एक तो डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे आपको। ठीक है, तो अब इस वीडियो में देखेंगे अपन जो इंटीजर नंबर है ना उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इंटीजर नंबर है ना उसके बारे में देखो क्या क्या होता भैया। अब इंटीजर नंबर में देखो भाई, तो इंटीजर नंबर में देखो इंटीजर नंबर होता है ना अपना, उसके बारे में देखना क्या क्या होता है। तो इंटीजर है ना जो अपने तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं भैया। कितने पार्ट में? थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता अपना इंटीजर। ठीक है, ध्यान से देखना कौन कौन से। तो एक में बात करूं तो पहला जो तुम्हारा इंटीजर नंबर है, ठीक है, हाँ, जो पहला जो तुम्हारा इंटीजर नंबर है वो क्या होता है तुम्हारा, एक तो नेगेटिव, नेगेटिव नंबर जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, एक होता अपना जीरो, ठीक है, और एक अपना होता है कौन सा, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर जिसे अपन बोलते हैं धनात्मक संख्या, जिसे अपन क्या कहते हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। ठीक है, ये होता अपना। तो अपने जो नंबर्स है देखो थ्री टाइप्स को, जो इंटीजर नंबर्स हो थ्री टाइप्स के होते हैं, एक तो नेगेटिव, एक जीरो, और एक कौन सा था अपना धनात्मक संख्या है। ठीक है, एक कौन सा था अपना धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो देखो धनात्मक संख्या में इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जो तुम्हारी ये जो नंबर है, जो इंटीजर नंबर है ना, वो क्या हो सकती है, परिमेय संख्या होती है भी। कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है भी। क्यों? क्योंकि इसको भी मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। क्योंकि कोई सी भी नंबर, आप बोलोगे सर जीरो को लिख के दिखाओ, तो जीरो बटे एक हो गई, नीचे तो जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर ही तो जीरो, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी क्या है तुम्हारी, परिमेय संख्या है, ये बताने के लिए था भाई आपको। ठीक है, अब देखो भाई आप ये देखो क्लासिफिकेशन हो गया इंटीजर का, कौन कौन सा आपका नेगेटिव इंटीजर, और एक कौन सा पॉजिटिव इंटीजर, और एक कौन सा अपना जीरो। तो अब देखो भाई जो इंटीजर है उसका देखो मैं और क्लासिफिकेशन करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जो इंटीजर का तो अपना क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होता है, एक जीरो होता है, और एक कौन सा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना विशेष। अब देखो भाई अब ये इनका जो क्लासिफिकेशन है इंटीजर में क्या क्या होता है, ढंग से देखना भाई, एक एक चीज में क्लियर कर दूंगा, एक एक चीज आपकी दिमाग में फिट हो जाएगी। अब देखना भाई ये हटा देते हैं, ये भी अपने कोई काम का नहीं है, ये सब देखो अब इधर देखो। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे अपन ओनली किसकी, बात कर रहे हैं अपन पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है बेटा, देखो ये पूर्णांक संख्याएं मतलब इंटीजर नंबर, तो पूर्णांक संख्याएं होती है ना बेटा, देखो वो आपकी टू टाइप्स में मैं ब्रेक कर रहा हूं इनको। ठीक है, टू टाइप्स में मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, एक तो होती है आपकी इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर को बोलते हैं, इवन नंबर को कहते हैं पर हिंदी में सम संख्या, क्या बोलते हैं, सम संख्या। और ये है अपनी कौन सी, ओड नंबर, कौन सी भाई, ओड नंबर, ओड नंबर। तो ओड नंबर को अपन बोलते हैं विषम संख्याएं, क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। बोलो अब सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, इसके बारे में देखो। तो सम संख्याएं जो होती है वो देखो भाई क्या होती है, पहली बात सम संख्याएं होती है वो क्या होती है, देखो वह संख्याएं जो दो से विभाजित हो,
विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो क्या हो, दो से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे अपन, सम संख्या। मतलब दो से विभाजित कौन सी होगी, देखो तुम्हारा टू के, मतलब ये अपन कहें भाई टू टू के की फॉर्म हो, इसकी जो फॉर्म हो, इसकी जो फॉर्म हो वो क्या है टू के। मतलब कोई भी संख्या हो जो दो का गुणनफल हो, गुणनफल दो का गुणज हो, सीधी सी बात है, मतलब कुछ भी हो मतलब दो से गुणन हो, तो सम संख्या होती है उसकी देखो क्या होगी, जीरो दो चार छ आठ दस बारह डॉट 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 कहां तक चलेगी भाई। और ध्यान रखना ये माइनस का दो भी सम होती है, माइनस का चार भी सम होती है, माइनस का छह भी सम होती है। सम मतलब ये सभी जो ऋणात्मक नंबर है ना ये भी क्या होती है आपकी सम होती है, माइनस के भी होती है। अब आप बोलोगे जीरो, तो देखो जीरो डिवाइड बाय टू करूंगा तो आंसर कितना आएगा, जीरो तो आएगा, और तो नहीं तो डिविजिबल तो हो रही ना, हो रही ना। तो वह क्या, वह कौन सी बात है, वह संख्या जो किससे हो, टू से डिविजिबल हो उसे कौन सी संख्या कहेंगे अपन, कौन सी संख्या कहेंगे अपन, पूर्णांक, सॉरी इवन इवन नंबर, मतलब सम संख्या है। ठीक है, इसकी जो फॉर्म होती है क्या होती है, टू के की फॉर्म में होती है, टू के मतलब दो तो इसके गुणनखंड हो गए होगा। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं बात करूं विषम संख्याओं की, तो विषम संख्या की यदि मैं बात करूं तो वह क्या कि टू से क्या होगी, डिविजिबल नहीं होगी। मतलब यह संख्या डज नॉट डिविजिबल बाय टू, मतलब ये संख्याएं दो से क्या नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, क्या नहीं होती है भाई, दो से विभाजित नहीं होती है। तो दो से विभाजित नहीं होती है तो वह संख्या कौन सी अपनी, एक तीन और कौन सी अपनी पांच, पांच के बाद में सात, सात के बाद में नौ और इस प्रकार होगी। तो मैं कहूं कि माइनस की जो तीन, माइनस का जो एक भी होगी वो भी क्या होगी आपकी विषम संख्या, माइनस का जो तीन भी होगी वो भी क्या होगी विषम संख्या, माइनस की पांच भी होगी वो भी क्या होगी विषम संख्या। तो कहने का मतलब जो भी ये नंबर्स है ना पूरे, ये क्या तुम्हारे विषम संख्या है, ये सब क्या है विषम संख्या है। तो देखो थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर भी ध्यान रखना, ये याद रखना, क्या आपकी सम संख्या प्लस सम संख्या, सम संख्या प्लस सम संख्या, यदि इन दोनों का एडिशन करें, मतलब इवन नंबर प्लस कौन सा इवन नंबर दोनों का यदि सम करें, मतलब एड करें, योगफल करें, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, सम संख्या होगी। क्या आएगी भाई, सम संख्या होगी। जोड़ के देख लो, जीरो सॉरी दो प्लस छ बराबर क्या आएगा, आठ। ठीक है, तो मतलब क्या आएगा, इवन नंबर ही होगा, इवन। ठीक है, यदि आप इवन नंबर प्लस यदि ओड नंबर कर देते हो, ओड नंबर, ओड मतलब विषम, ये तो सम और ये कौन सा हो गया विषम, यदि इन दोनों को क्या कर दो आप, ऐड कर दो, यदि इन दोनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा ना वो ओड नंबर आएगा। क्या होगा, ओड नंबर। देख लो सीधी सी बात, मैंने लिख दिया चार प्लस तीन बराबर क्या होगा, सात, तो सात तो क्या आपका ओड नंबर, सात तो क्या आपका ओड नंबर। यदि आप ओड नंबर प्लस ओड नंबर यदि आप जोड़ दोगे, मतलब ओड मतलब विषम संख्या प्लस विषम संख्या कर दोगे, तो आपका आंसर आएगा इवन नंबर। ये ध्यान देना, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इवन नंबर। करके देख लो, क्या मैं बोलूं कि भाई ओड नंबर कितना, थ्री प्लस फाइव इक्वल कितना होगा, एट। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। तो एक और चीज देखो इधर, यदि इवन नंबर, इवन बोलते सम संख्या बेटा, इवन नंबर गुणा मल्टीप्लाई, यदि इवन नंबर अपन कर देते हैं, इवन नंबर करते हैं, तो अपना रिजल्ट अभी है ना इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, यदि इवन नंबर एग्जांपल ले लो, टू इंटू फोर इक्वल एट आया,
यदि अपन करेंगे इवन नंबर इनटू इवन नंबर इनटू ओड नंबर यदि अपन ले लेंगे ओड नंबर तो क्या आएगा तुम्हारा रिजल्ट देखो इवन नंबर में कितना है था 4 इनटू इसमें लेते 5 4 इनटू 5 क्या होगा पहले देखो वो इवन नंबर इनटू ओड नंबर क्या होगा अपना इवन नंबर ही आएगा ठीक है तो देखो भाई 4 इनटू 5 कितना आएगा 20 आ रहा नहीं आ रहा बाय बाय यदि ओड ओड नंबर इनटू ओड नंबर यदि मैं कर दूं दोनों ओड नंबर भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ओड ओड को तो देखो भाई तो तुम्हारा रिजल्टेंट भी क्या आएगा ओड नंबर ही आएगा कैसे ये ले ले 3 इनटू 5 कितना हो गया 15 कोई से भी नंबर आप रख के देख लो ठीक है तो इतना देखो भाई मैंने बता दिया ये नंबर है ठीक है तो सम संख्या विषम संख्या के बारे में मैंने बता दिया ठीक है इनका जो ऑपरेशन है लगते प्लस और माइनस में और ये मल्टीप्लाई में तो ये भी यही होता है ठीक है ये ध्यान से देख लेना भाई स्क्रीनशॉट ले लेना पढ़ लेना एक एक चीज सीख लेना और जो इसकी जो फॉर्म होती है ना बेटा इसकी सम विषम संख्याओं की वो होती है 2k+-1 मतलब 2k+-1 मतलब इसी फॉर्म होती है दो से विभाजित नहीं होती है दो में जुड़ा होगा या दो से कम होगा मतलब जो भी होगा या दो से विभाजित होगा उससे एक ज्यादा होगा या फिर क्या होगा एक ही कम होगा विभाजित होने में ठीक है अब देखो आगे देखो अब एक बार और ब्रेक करेंगे आपको किसको इंटीजर नंबर को ओनली पॉजिटिव इंटीजर नंबर को मैं ब्रेक करूंगा और उसके बारे में आपको देखो एक एक चीज क्लियर कर दूंगा क्या होती है क्या नहीं होती है ठीक है फिर उसके बाद में बोलना आप लोग की वाह नंबर सिस्टम इतना क्लासिफिकेशन में ये भी चीजें भी होती है क्या देखो आपने जो नहीं देखी ना वो चीजें भी आएगी भी एक एक चीज क्लियर करेंगे आपका क्लासिफिकेशन नंबर नंबर सिस्टम का देखो बेटा देखो इधर ये इंटीजर नंबर है ये आपका इंटीजर नंबर है ठीक है पूर्णांक संख्या तो इनमें जो इंटीजर में भी देखो 3 पार्ट में तोड़ा था तो मैं अब ओनली लूंगा पॉजिटिव इंटीजर नंबर इंटीजर नंबर पॉजिटिव इंटीजर नंबर मतलब क्या होगा भाई पॉजिटिव इंटीजर नंबर का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या अपन कहते हैं इसे ठीक है क्या कहेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या अब देखो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या में इनका देखो क्लासिफिकेशन क्या होगा देखो इधर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर देखो 1, 2, 3 ठीक है तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसमें तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अभाज्य संख्याओं की अभाज्य संख्या देखो वेरी इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या जिसे अपन बोलते हैं प्राइम नंबर फिर ये 1 है और ये कौन सा अपना फिर ये होती अपनी अभाज्य संख्या देखो बेटा वो क्लियर करेंगे एक एक चीज है ना अभाज्य संख्या को बोलते अपन कंपोजिटिव नंबर ठीक है देख रहा बेटा करें क्लियर आपकी कहानी देखो भाई ध्यान से देखना ना पहला पॉइंट वह संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल 2 हो तो गुणनखंड केवल 2 ही हो इसके अलावा कुछ भी नहीं हो पहला गुणनखंड क्या हो 1 हो और दूसरा गुणनखंड क्या हो स्वयं मतलब इट्सेल्फ ठीक है एक तो गुणनखंड क्या हो क्या बोलेंगे अपन विच नंबर इज
फैक्टर, इसका जो फैक्टर है ना, फैक्टर जिसे अपन बोलते फैक्टर, तो फैक्टर ओनली क्या होगा, टू ही फैक्टर हो, और टू फैक्टर में कौन कौन सा, एक तो खुद हो, एक तो वन हो, और एक क्या हो, दूसरा खुद ही हो, तो वही नंबर क्या कहलाएगी आपकी, वही नंबर क्या कहलाएगी तुम्हारी, प्राइम नंबर कहेंगे उस नंबर को। तो देखो इधर, इधर देखना बच्चों, तो अब मैं लो नंबर देखो, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, यहां तक ले लेते बाकी तो, और नंबर होती, देखो पॉजिटिव नंबर ही ले लिया ना, ठीक है। अब जो ये वन है उसका थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसके बाद में बात करूंगा मैं, वन वन भी लिख देता हूँ। तो देखो कहानी क्या होती है कि भाई ये है कि भाई इसकी क्या होना चाहिए, जो इसका फैक्टर है ना, जो केवल एक ही दो होने चाहिए, एक तो एक और एक के अलावा खुद संख्या, तो इसमें तो फैक्टर भी एक ही है, एक के अलावा कौन सी दूसरी संख्या नहीं आ रही, तो मतलब इसका तो ओनली वन ही फैक्टर हो रहा है, तो ये क्या होगी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो आ जाओ आगे, दूसरी का देखो फैक्टर करोगे तो आप एक हो जाएगा, एक आराम से डिविजिबल होती है और एक खुद दो से भी डिविजिबल होती है, तो ये मतलब ये कौन सी आपकी अभाज्य संख्या है। अब देखो तीन, अब तीन का देखो, तीन है जो एक से भी डिविजिबल है और खुद इस तीन से भी डिविजिबल है, और ये वाले देखो, ये वाले नंबर, ये एक से डिविजिबल है, दो से डिविजिबल है और इटसेल्फ से डिविजिबल है या नहीं है, तीन से इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये कौन सी है अभाज्य संख्या नहीं है, तो कौन सी होगी, दूसरी होगी। फाइव देखो, फाइव का यदि मैं फैक्टर करूं तो एक और एक कितना आएगा तुम्हारा, पांच कुछ से होगी बस, तो इसके फैक्टर कितने हैं, वन और टू, मतलब वन और इटसेल्फ वही फैक्टर आए, तो अपन क्या कह सकेंगे ये कौन सी संख्या तुम्हारी अभाज्य संख्या है, ये कौन सी संख्या है अभाज्य। देखो सिक्स की देखो बेटा, सिक्स का फैक्टर क्या है तुम्हारा, वन टू थ्री और क्या सिक्स, फैक्टर का मतलब गुणन, फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या हो, देखो एक तो ये भी डिविजिबल है, एक ये दो भी इससे इसको डिवाइड करता है, काटता है, तीन भी इसको काटता है और छह भी इसको क्या काटता है, डिवाइड करता है, तो ये वाली नंबर भी क्या है तुम्हारी नहीं है, तो सेवन के पास आ जाए, तो सेवन के पास आए तो सेवन क्या साहब, एक से डिविजिबल होता हूँ और मैं खुद से ही डिविजिबल होता हूँ और किसी से डिविजिबल नहीं होता, तो मतलब ये वाले भी कौन सी आपकी प्राइम नंबर है। इसके बाद में एट के पास गए तो एट भी क्या बोला, मैं तो वन से भी हूंगा साहब, टू से भी हो जाऊंगा डिविजिबल, फोर से भी हो जाऊंगा और मैं तो खुद से भी हूंगा, तो कितने सारे फैक्टर आ गए देखो इसके, तो ये क्या नहीं है आपका प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद में नाइन, तो नाइन कह रहा मैं एक से भी हूंगा, तीन से भी डिविजिबल हो जाऊंगा और किससे, खुद से भी हो जाऊंगा, तो ये नाइन भी नहीं है। टेन तो खुद क्या है, टेन वन से भी होगा, इसके बाद में टू से भी होगा, इसके बाद में फाइव से भी हो जाएगा, इसके बाद खुद से भी होगा, तो ये टेन भी नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकला इससे, इतना बताने के बाद निष्कर्ष क्या निकला कि जो तुम्हारे जो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कितनी, दो होगी और कितनी होगी, तीन होगी और कितनी होगी, पांच होगी और कितनी होगी, सात होगी, ठीक है। इसके बाद में कौन सी होगी, सात के बाद में ग्यारह होगी, ग्यारह के बाद में कौन सी होगी, तेरह होगी, तेरह के बाद में कौन सी, सत्रह होगी, सत्रह के बाद में कौन सी होगी, उन्नीस हो जाएगी, और डॉट 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 आगे तक चलती ही रहेगी, ठीक है। तो एक का तो अपन ने पहले कैंसिल, ये एक का तो अपन ने कर दिया कि जो एक है ये तो आपकी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ पर। तो एक क्या है, एक एक अपना क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है, यूनिवर्सल फैक्टर मतलब सभी का फैक्टर है, सभी में विद्यमान होता है, ठीक है। तो अब देखो इससे निष्कर्ष निकालते अपन, इस निष्कर्ष क्या निकलता है इसका कि दो है, दो क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा तुम्हारा, दो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा, दो, और मैं ये कह दूं कि स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट इवन, इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट जो इवन मतलब सम, सम प्राइम संख्या, सम कौन सी है, तो सम संख्या कौन सी है तुम्हारी, दो ही, तो आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा यहां से, दो क्वेश्चन बन गए कि ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके बाद में मैं एक दूसरा क्वेश्चन ये ले रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या देखो इसका, कि जो तुम्हारी कर्मागत तीन कर्मागत विषम संख्या, तीन कर्मागत, कर्मागत का मतलब होता है कंजुगेटिव मतलब लगातार, कर्मागत विषम संख्याएं,
विषम संख्याएं, तीन लगातार विषम संख्याएं कौन सी आपकी, तीन पांच और सात। एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, ओड ओड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कितना तुम्हारा, थ्री, ठीक है। और एक और देखो बात, ये तो होगी या कंजुगेटिव नंबर भी बोल दिया मैंने, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ओड नंबर। अब देखो एक और चीज कि जो तुम्हारे है ना कि वन से फिफ्टी, वन से फिफ्टी आपकी फिफ्टीन प्राइम नंबर होती है, और फिफ्टी सॉरी फिफ्टी वन टू हंड्रेड आपकी कितनी होती भाई, टेन होती है। तो मैं ये कहूं सीधी सी भाषा में, एक से लेके सो तक आपकी कितनी होती है, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई। तो प्राइम नंबर का देखो, प्राइम नंबर है उसका कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा सा कि ये रह गया आपका बाह्य संख्या का, तो ये भी देख लो भाई फटाफट बाह्य संख्या का। तो बाह्य संख्याएं देखो क्या होती है आपकी, ये तो सब अभाज्य संख्याएं। तो बाह्य संख्या का सीधा सा ये है कि इसके तो इसका जो गुणनखंड है ना, इसका जो फैक्टर है ना, जो कम से कम फैक्टर है इसके कितने होने चाहिए, कम से कम इसके जो फैक्टर होने हैं वो कितने होने चाहिए, तीन होने चाहिए कम से कम, पहली बात तो ये। तो कम से कम फैक्टर तीन वाले कौन सा, देखो पहला वाला, पहला वाला नंबर कौन सा, यही है। तो एक दो तीन फैक्टर तो कौन सी होगी अपनी, चार, मतलब ये कौन सी होगी अपनी, चार। अब इसके बाद में देख लो दूसरा, दूसरा कितना अपना, छह, तो कौन सी होगी भाई, छह। इसके बाद में देख लो कौन सी अपनी, आठ, आठ है। इसके बाद में यहां से देखो कौन सी भाई, नाइन। इसके बाद में कौन सी अपनी, टेन। तो अब बाह्य संख्या किसे कहते हैं कि भाई जो खुद के अलावा अन्य किसी नंबर से भी विभाजित हो उसे क्या कहेंगे अपन, बाह्य संख्या। मतलब इसके कम से कम जो फैक्टर है, मतलब गुणनखंडों की संख्या कम से कम तीन होनी चाहिए, तो वही कौन सी अपनी, बाह्य संख्या। तो इसमें देखो भाई, इसमें बाह्य संख्या इसमें इसमें देखो आपका जो ये नौ है सर, ये चार, तो आपका क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे सबसे छोटी बाह्य संख्या, सबसे छोटी बाह्य संख्या कितनी है भाई, चार, और वो कौन सी, सम वाली है, ठीक है। और विषम की पूछ ले तो विषम, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी, बाह्य विषम संख्या, बाह्य विषम संख्या आपकी नौ होती है, बटा क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। सबसे छोटी बाह्य सम संख्या तो आपकी कितनी होती है, चार, और सबसे छोटी बाह्य विषम संख्या आपकी कितनी होती है, नौ, ठीक है। इसके बाद में देखो यहां से क्लियर है आपका। अब देखो इसमें, तो इसमें देखो इसमें एक और बताता हूं, ये हो गया भाई इसका। देखो बाह्य संख्या का तो क्या होता है, बाह्य संख्या वह होती है जिसका फैक्टर कम से कम कितना, तीन हो। तो देखो यहां पर हम डिटेल से अपने बात कर ली भाई, एक हो दो, एक पहले वाला कौन सा अपना, एक दो तीन, मतलब पहला एक से डिविजिबल है, दो से डिविजिबल है, चार से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि बाह्य संख्या वह होगी जो संख्याएं खुद के अलावा अन्य किसी संख्याओं से भी क्या हो, डिविजिबल हो, वह क्या कहलाएगी आपकी, बाह्य संख्याएं, ठीक है। तो मैंने वहां पर बता दिया, मतलब इसका जो फैक्टर है कम से कम कितना होना चाहिए, तीन होना चाहिए, गुणनखंड कम से कम तीन होने चाहिए। तो एक का जो एक है आपके पास, एक बच गया, तो एक का तो न तो फैक्टर कम से कम दो होता है, और न ही एक का फैक्टर कम से कम क्या होता है, दो होता है। तो एक है जो, तो एक है न तो आपका बाह्य संख्या है, न तो आपकी क्या ये बाह्य संख्या है, बाह्य संख्या है, और नहीं नहीं आपकी अभाज्य संख्या है, नहीं आपकी क्या ये अभाज्य संख्या है। तो आपको समझ में आएगा, एक न तो आपकी बाह्य संख्या है, और एक नहीं आपकी क्या है अभाज्य संख्या, एक की अलग ही संख्या, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। अब देखो एक बात और बताऊं, इसका जो फॉर्मूला बताऊं आप कैसे ज्ञात करोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका सिक्स के प्लस माइनस एक, सिक्स के प्लस माइनस एक। देखो आप इसमें एक ही रख के देखो, तो एक रखोगे, एक रखोगे इसमें के की वैल्यू एक रखते हैं अपन, देखना एक के की वैल्यू क्या रखते हैं, एक, तो क्या आ जाएगा सिक्स इंटू वन प्लस माइनस एक। अब एक रखते हैं, ध्यान रखना या तो प्लस पे आ जाएगा माइनस पे आएगा, जरूरी नहीं कि दोनों पे आ जाए, ठीक है। सिक्स प्लस वन रखा तो कितना आ जाएगा सिक्स प्लस माइनस वन, यदि
प्लस का वन लिया तो कितना जाएगा सेवन, और सिक्स माइनस वन लिया तो कितना जाएगा फाइव। तो आपको पता है फाइव भी क्या है, आपका फाइव भी क्या है प्राइम नंबर है, सेवन भी क्या है प्राइम नंबर, दोनों है। इसके बाद में देखो टू रख दो, तो सिक्स इंटू टू प्लस माइनस वन कर दिया अपन ने, तो टू रखे तो कितना का ट्वेल्व प्लस माइनस वन, यदि प्लस की वैल्यू लेंगे ट्वेल्व प्लस वन तो कितना हो जाएगा थर्टीन, यदि ट्वेल्व माइनस वन लिया तो कितना हो जाएगा इलेवन। तो ये भी क्या है दोनों ही, ये दोनों भी क्या है आपकी प्राइम नंबर है, है? आपको देख भी लेनी है भाई है या नहीं है, वैसे तो जो आएगी। देखो एक कंडीशन गलत होती है मैं बता दूंगा, अब आपके देखो आप थ्री रखोगे जो कंडीशन गलत होगी वो मैं बताऊंगा कहाँ होगी। तो सिक्स इंटू थ्री प्लस माइनस वन रखे तो कितना हो गया अट्ठारह, अट्ठारह माइनस वन करेंगे तो कितना हो गया सत्रह, और अट्ठारह प्लस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा उन्नीस, होगा नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो अब देखो यहां पर आगे वाली नंबर, अब ये तो हो गया, ये भी दोनों प्राइम नंबर ध्यान देना ठीक है। इसके बाद में देखो अपन इसकी जगह चार रखे हैं, इस के की वैल्यू कितनी, के की वैल्यू यदि फोर रखे तो फोर रखे तो देखो कितना होगा सिक्स इंटू फोर प्लस माइनस वन। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करो तेईस सॉरी चौबीस प्लस माइनस एक, चौबीस प्लस माइनस एक, तो चौबीस यदि माइनस का एक लेंगे तो तेईस आ जाएगा, और चौबीस प्लस का एक करेंगे तो कितना जाएगा पच्चीस हो जाएगा। तो ये यहां पर गलत है भैया, ये यहां पर क्या है गलत है, तो ध्यान दे रहे ना, पच्चीस है जो, पच्चीस है तुम्हारा जो, पच्चीस है वो क्या है तुम्हारा बाह्य संख्या है, क्यों, क्योंकि ये खुद से भी डिविजिबल है, और इसके बाद में, इसके बाद में ये फाइव से भी डिविजिबल है, इसके बाद में ये खुद, तो मतलब इसका फैक्टर तीन हो रहा है, तो ये कौन सी संख्या है, ये बाह्य संख्या है, ये कौन सी संख्या है बाह्य संख्या है। तो अबाह्य संख्या जान गए आप, अबाह्य संख्या जान गए क्या होती है, अबाह्य संख्या होती है भाई वह नंबर, वह नंबर जो क्या हो खुद से, खुद से डिवाइड हो और एक से डिविजिबल हो, मतलब वो किसी से और संख्या से डिविजिबल नहीं हो, तो वो कौन सी हो जाएगी अपनी प्राइम नंबर, वो कौन सी हो जाएगी अपनी प्राइम नंबर ठीक है। इसके बाद में मैंने बोला कि इसके जो फैक्टर है एटलीस्ट फैक्टर है ना दो ही होने चाहिए, इसके जो फैक्टर है वो एटलीस्ट कितने होने चाहिए दो होने चाहिए, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसके बाद में मैंने देखो यहां से, यहां से क्वेश्चन ये फैक्टर कर करके देखो आपको ढंग से समझा दिया था, यदि शुरू से देखोगे तो आपको सब कुछ ये समझ में जाएगा। इसके बाद में देखो आपकी दो, जो दो होती है सबसे छोटी बाह्य संख्या, सॉरी सबसे छोटी अबाह्य संख्या होती है, तीन पांच और सात, तीन पांच सात ध्यान देना, ये तीन पांच और सात ये आपकी क्रमागत तीन विषम संख्या होती है, कौन सी अबाह्य विषम संख्या क्रमागत, मतलब एक के बाद में देखो तीन विषम संख्या, तीन तीन के बाद में पांच, पांच के बाद में क्या होती है सात, तो तीन क्रमागत विषम संख्या ये होती है ठीक है। इसके बाद में देखो बाह्य संख्या, बाह्य संख्या के लिए मैंने बोला कि इसका जो कम से कम इसका फैक्टर कितनी होनी चाहिए तीन, मतलब इनके गुणनखंड कम से कम कितने होनी, गुणनखंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए तीन। तो देखो यहाँ पर गुणनखंड तीन कौन कौन सा है, एक चार वाला, देखो एक तो है ही नहीं, एक तो अपना ही नहीं, एक दो, दो तो वाला के दो ही है, तीन वाला देखो तीन वाला एक और तीन है ये है नहीं है भैया। इसके बाद में देखो तीन फैक्टर वाला कौन सा, एक तो चार है, चार के बाद में कौन सा छह है, छह के बाद में कौन सा देखो आठ है, आठ का तीन, तीन से ज्यादा फैक्टर है, मतलब कम से कम तीन हो ज्यादा कितनी भी कोई दिक्कत नहीं, एक नौ है दस है ग्यारह नहीं होगा, ग्यारह नहीं होगा तो ग्यारह क्या है आपकी अबाह्य संख्या। तो मैंने एक और बात बताई थी, क्या बात बताई थी देखो ये वाली बात बताई थी कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू होगी और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर आपकी टू मतलब सम संख्या, और तीन क्रमागत विषम संख्या कितनी थ्री फाइव और सेवन होगी, और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर आपका थ्री और वन से फिफ्टी कितनी होगी पंद्रह होगी, और इक्यावन से सौ आपकी कितनी संख्या होगी अबाह्य संख्या कितनी होगी दस। तो एक से सौ तक आप, एक से सौ तक याद रखना, ज्यादा पूछे तो अपन इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूला है ना सिक्स क्यू प्लस वन, इसकी फॉर्म है ये लिख देना याद रख लेना, सिक्स क्यू सिक्स के प्लस माइनस वन, इस फॉर्म से अपन फाइंड कर सकते हैं ठीक है। वैसे तो कोई एग्जैक्ट फॉर्मूले नहीं है ठीक है, इनकी कोई विधि नहीं है आगे कैसे निकालेंगे, वैल्यू रख रख के ये ज्ञात करनी पड़ेगी, डायरेक्ट कोई ट्रिक्स नहीं है
ठीक है, तो डायरेक्ट कोई ट्रिक्स नहीं है, तो यहां से यहां तक हो गया है ना, ठीक है। तो आपका ये भाज्य है, भाज्य सब कुछ नंबर क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में देखो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।